आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 करने वाले हैं आरएस अग्रवाल का। तो ये जहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये आरएस अग्रवाल आपका न्यू एडिशन है आरएस अग्रवाल है 2020 का, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि द ट्रैफिक लाइट एट थ्री डिफरेंट रोड्स क्रॉसिंग, ठीक है, चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स। बोल रहा है कि तीन अलग अलग लाइट है और तीनों अलग अलग रोड के लिए दिया गया है, ठीक है ना। तो जो कि क्या बोल रहा है कि जो रोड है वो जो लाइट है हमारा, तो एक लाइट जो है हर 48 सेकेंड के बाद जो है उसका ये चेंज होता है, और दूसरा जो है हमारा वो हर 72 सेकेंड में चेंज होता है, और तीसरा जो है हमारा वो हर 108 सेकेंड पे जो है उसका वो चेंज होता है। तो क्या बोल रहा है उसके बाद रेस्पेक्टिवली, तो बोल रहा है कि इफ़ दे ऑल चेंजेस सिमल्टेनियसली एट 8 AM, बोल रहा है कि अगर वो तीनों एक साथ सुबह 8 बजे चेंज हुआ था तो बताइए कि देन एट वॉट टाइम विल दे अगेन चेंज सिमल्टेनियसली, बताइए कि अब किस टाइम जो है वो दोबारा एक साथ चेंज होगा, ये हमें बताना है। तो ऐसे केसेस के लिए बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है जो कि मैंने आपको बनाया है, तो बिल्कुल वैसे सही है। इसमें हमको क्लियरली मालूम है कि हमें एलसीएम ही निकालना है, तो बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैं क्या कर रहा हूँ, एलसीएम निकाल रहा हूँ। तो ये लिखा मैंने 48, तो 48 को अपन जब तोड़ेंगे तो इसको देखो, मैं 48 को यहाँ पर तोड़ा तो क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे 24, देन अगेन 2 से करेंगे 12, देन अगेन 2 से करेंगे 6, देन अगेन 2 से जाएगा देन 3, तो यानी कि 2 to the power 4 मल्टीप्लाई विथ 3। चलिए 48 का आ गया, देन 72 है तो 72 को कैसे कर सकते हैं अपन, तो 72 ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 72। चलिए तो इसको 2 से करेंगे तो 36 2 72, देन अगेन 2 से करेंगे 18 2 36, देन फिर 2 से करेंगे 9 2 18, फिर 3 से होगा 3 3 9, यानी कि 2 to the power 3 into 3 to the power 2। देन तीसरा जो है हमारा वो 108 है, तो 108 लिखा, अब इसको जो करेंगे अपन स्टूडेंट, तो ये लिखा 108, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5, हो जाएगा 4 54, देन अगेन 2 से करेंगे तो 2 2 4 2 7 24 27, देन अगेन 3 से करेंगे तो 3 9 27, देन फिर 3 से करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि 2 to the power 2 into 3 to the power 3। तो अब जो मुझे एलसीएम निकालना है स्टूडेंट, तो मैंने बताया था आपको कि एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना है, हाईएस्ट पावर वाला लेना है, और जो अनकॉमन भी होगा तो कोई इशू नहीं, मगर हाईएस्ट पावर लेना है। तो ये 2 to the power 4 सबसे हाईएस्ट है, तो ये ले लिया मल्टीप्लाई विथ, आपको 3 to the power क्या है सबसे मैक्सिमम 3 है, तो ये ले लिया। चलिए तो 2 to the power 4 का मतलब हो गया हमारा 2 4 8 16, यानी कि 16 हो गया, देन मल्टीप्लाई विथ 3 to the power 3 का वैल्यू हो गया 27। तो यहाँ से जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा, तो इसको उसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो 16 सत्ते 112 होता है हमारा, है ना। तो एल सी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 सत्ते 112 के 2 हाथ पे रहा 11, ठीक है ना। देन उसके बाद 16 2 32, अब 32 10 42 41, यानी कि 432 सेकेंड्स, ये इतना निकल गया, यानी कि हर 432 सेकेंड पे क्या होगा, जो लाइट है हमारा तीनों लाइट वो एक साथ जलेगा, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग मिनट में चेंज कर लेते हैं, मिनट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो तो मिनट में चेंज कर रहे हैं अपन, तो ये हो जाएगा हमारा 432/60, मिनट में चेंज करेंगे तो ये हो गया हमारा मिनट में अब चेंज। तो चलो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो गया 30, देन यहाँ हो जाएगा 2 और देखेंगे 2 2 6 12, अभी भी कटेगा ये तो 15, और यहाँ हो जाएगा हमारा कितना 2 2 0 2 28 16, यानी कि 108, यानी कि जो हमारा आ रहा है 108/15। इसको आप एक काम करो स्टूडेंट, अब इसको कैसे चेंज करेंगे मिनट एंड सेकंड में, तो इसको आप क्या करो मिक्स फ्रैक्शन में निकालो, ये सबसे ईजी रहता है आपके लिए। तो अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हमारा 108 को डिवाइड करो आप 15 से, तो कितने बार में हो जाएगा 15 6 90, 15 7 100, 15 7 105, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ पर 12 सेकेंड, है ना, ठीक, तो ये हो गया यहाँ आ गया 3, तो यानी कि ये हो गया हमारा कि 3, यानी कि 7 whole 3/15 मिनट, ये मिनट में आया है। तो हमें जो टाइम लिखेंगे स्टूडेंट, तो मिनट एंड सेकेंड, तो इस मिनट को हम सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, यानी कि देखो हमारा जो आ रहा है आंसर वो 7 मिनट आ रहा है, ठीक है,
7 मिनट, इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो 3/15 को हम सेकंड में, क्योंकि ये भी मिनट में निकला हमारा, इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि ये काटेंगे इसको तो 15 × 60 4 × 3 = 12, तो यानी कि ये क्लियर हो चुका है कि 7 मिनट एंड ये सेकंड में हो गया आपको, तो 12 सेकंड। तो स्टूडेंट आप सब समझो इस बात को कि पहला जो बार जो एक साथ जला था वो 8 बजे जला था, है ना, तो अब जो दूसरा बार जब वो एक साथ जलेगा तो कब जलेगा, यानी कि 8 बजकर, है ना, 7 मिनट एंड 12 सेकंड पर ये जो है लाइट, तीनों लाइट एक साथ दोबारा जलेगा। तो यही मुझे निकालने के लिए कहा गया था स्टूडेंट, तो ये हमारा निकल गया है, ठीक है ना। यहाँ पे AM डाल देना, AM तो आपको इसी मालूम चल जाएगा कि मॉर्निंग का टाइम है ये। तो स्टूडेंट्स अब जो है हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।